पापा की तबीयत पिछले 2-3 दिन से ख़राब है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान उनके थोड़ा सा पेट में दर्द था 1-2 दिन से, तो डायलिसिस के बाद डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, और उसके बाद सीटी स्कैन के रिपोर्ट में आया था कि कुछ गॉल ब्लैडर में दिक्कत है, उसके लिए सर्जरी की गई थी। तो पोस्ट सर्जरी उन्होंने उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, सब सपोर्ट सिस्टम पे, और अभी स्टेबल हैं। डॉक्टर्स निगरानी किए हुए हैं, इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद ये है कि डॉक्टर ने अगले 72 घंटे, जिस दिन ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद से 72 घंटे बहुत क्रिटिकल बताए हैं, और डॉक्टर्स उसे पूरी निगरानी रखे हुए हैं, और बस ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पापा इस से भी बाहर निकल करके आएंगे, और अल्लाह उनको सेहत याब करे।